नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको सेकंड ईयर की फिजिक्स कंटिन्यू करवा रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो के अंदर अपने व्यवहारिक ऊष्मा इंजन की बात कर रहे थे और इसके अंदर अपने तीनों इंजन पढ़ चुके हैं, बाप का इंजन, पेट्रोल इंजन और तीसरा जो अपना था डीजल इंजन था। ठीक है, अब अपना जो चैप्टर है उसके एक नए पार्ट की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है एंट्रोपी। तो अपना एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से और टॉपिक का नाम है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी अपने कुछ एक बातें एंट्रोपी के बारे में करेंगे और ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये यूनिट ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये क्या कुछ है। तो आपको पता है कि ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था उसके अंदर अपने कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा था। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके अंदर अपने कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा है। अपने क्या बात कर रहे थे अब तक, अपने जो देख रहे थे उसके अंदर अपने कुछ एक कथन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके अंदर सूत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले क्लासियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, एंट्रोपिक शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, यानी जो द्वितीय नियम है उसके सूत्र की स्थापना के लिए सर्वप्रथम क्लासियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, एंट्रोपी शब्द को काम में लिया था। एंट्रोपी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है रूपांतरण। ठीक है, एंट्रोपी जो था उसका शाब्दिक अर्थ क्या था, रूपांतरण था। ठीक है, और सबसे पहले जो इसे काम में लेने वाले वैज्ञानिक था वो कौन था, क्लासियस था। ठीक है, देखिए जैसे आपको पता है कि अपने किसी पदार्थ की ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए, यानी आप लोग क्या कर रहे हो, कोई एक पदार्थ है उसकी ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त कर रहे हो, उसकी ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए आप लोग किसे काम में लेते हो, आप लोग ताप को काम में लेते हो, दाब को काम में लेते हो और आयतन को काम में लेते हो। तो क्लासियस जो था इसने बताया कि ताप, दाब और आयतन के अतिरिक्त एक और भौतिक राशि होती है जिसे कहा जाता है एंट्रोपी। जिसे क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। वो भी क्या है, इन्हीं की तरह इम्पोर्टेंट राशि है। ठीक है, और इसी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में उसने बताते हुए कहा कि जैसे अपने जो समतापीय प्रक्रम होते हैं उसके अंदर कौन नियत रहता है, ताप नियत रहता है। क्लासियस ने बताया कि जैसे समतापीय प्रक्रम के अंदर कौन नियत रहता है, ताप नियत रहता है। समदाबीय प्रक्रम के अंदर कौन नियत रहता है, दाब नियत रहता है। सम आयतनी प्रक्रम के अंदर जैसे आयतन नियत रहता है, उसी प्रकार देखो इसके बारे में क्लासियस ने नहीं बताया था कि समतापीय में ताप नियत रहता है, समदाबीय में दाब नियत रहता है, समायतन में आयतन नियत रहता है, ये क्लासियस ने नहीं बताया। क्लासियस तो इनको काम में ले रहा है। देखिए फिर से सुनिए कि क्लासियस क्या कर रहा है, इनको काम में ले रहा है, इनका एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल दे करके बता रहा है। क्या बता रहा है कि जैसे समतापीय प्रक्रम में ताप नियत रहता है, समदाबीय प्रक्रम में दाब नियत रहता है, सम आयतनी प्रक्रम में आयतन नियत रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम में, बिल्कुल उसी प्रकार से उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम में, बिल्कुल उसी प्रकार से उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है, तो क्लासियस ने क्या बताया, क्लासियस ने बताया कि जिस प्रकार से समतापीय प्रक्रम में ताप नियत रहता है, समदाबीय में दाब नियत रहता है, समायतनी में आयतन नियत रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, क्लासियस ने बताया था। आगे देखिए इसके अंदर अपने एक सूचक आरेख की बात करते हैं, अपने एक सूचक आरेख लेते हैं। तो जब भी अपने ये बोले कि सूचक आरेख है तो आपको समझना है कि आरेख जो है वो किसके बीच में है, आरेख जो है वो आपका दाब और आयतन के बीच में। यानी जब भी अपने बात करते हैं कि सूचक आरेख काम में ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अपने ये जो ग्राफ है ये दाब और आयतन के मध्य है। ठीक है, तो एक सूचक आरेख लेते हैं इस तरीके का, किसके मध्य है ये, आयतन के, और दूसरी तरफ क्या है ये, दाब के। ये वाई एक्स है इसका और ये एक्स एक्स है। इसके ऊपर अपने तीन समतापीय वक्र लेते हैं,
वक्र का नाम मान लेते हैं, एक का आई वन है, दूसरे का आई टू है, और तीसरे का नाम क्या है, आई थ्री है। तो तीन अपने यहाँ पर क्या है, समतापीय वक्र है। ताप मान लेते हैं, एक का टी वन केल्विन, दूसरे का टी टू केल्विन, तीसरे का टी थ्री केल्विन है, ठीक है। और इनको रुदोसम वक्र काट रहे हैं, वक्र का नाम ए वन और ए टू है, यानी इन वक्रों को ए वन और ए टू दो रुदोसम वक्र क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। और जिन पॉइंटों पर इन्हें काट रहे हैं उन पॉइंटों के नाम देखिए क्या क्या है, उन पॉइंटों के नाम है ए बी, ए बी सी डी ई और एफ। ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इन्हें काट रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है, ये इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, और ये आगे से आगे जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके का एक रुदोसम वक्र अपने इसके अंदर बना लेना है। देखिए अपने क्या बोल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं कि अपने एक सूचक आरेख खींचते हैं, पी और वी, पी और वी के अंदर अपने एक सूचक आरेख खींच रहे हैं, और इसके अंदर अपने तीन समतापीय वक्र खींच रहे हैं, जो टी वन केल्विन पर, टी टू केल्विन पर और टी थ्री केल्विन के ऊपर है, और इन्हें जो है दो रुदोसम वक्र ए वन और ए टू जो है वो काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पर काट रहे हैं, ए बी सी डी ई और एफ पॉइंट के ऊपर काट रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, कोई एक रुदोसम जो ये अपने पास में जो चक्र बन रहा है, किसी एक चक्र को लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो चक्र है अपने किसको प्रदर्शित करें, ये कारणों के उत्क्रमणीय चक्र जो है उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो चक्र है, ये कौन से चक्र, ये चक्र ए बी सी डी, जो आपका ये चक्र है ए बी सी, ए बी सी और डी, और इसी तरीके से ये जो आपका चक्र है डी ई, डी सी ई एफ, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कारणों के उत्क्रमणीय चक्रों को, यानी ये जो ए बी सी डी और डी सी एफ है, ये जो चक्र यहाँ पर बन रहे हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कारणों के उत्क्रमणीय चक्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं, उत्क्रमणीय कारण चक्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए अवस्था ए से बी तक अगर जाए, आप लोगों ने कार्नोट चक्र के बारे में पढ़ा है, कार्नोट चक्र जिसकी चार अवस्थाएं अपने पढ़ी थी, अपने सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था की अपने बात की थी। प्रथम जो उसकी अवस्था थी उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, सबसे पहले अपने उसके अंदर समतापी प्रसार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, समतापी प्रसार कर रहे थे, फिर अपने क्या कर रहे थे, रुदोसम प्रसार कर रहे थे, फिर समतापी संपीड़न और फिर क्या कर रहे थे, रुदोसम संपीड़न कर रहे थे। कुछ इसी प्रकार का डायग्राम वहाँ पर अपने बना रखा था, यानी अपने क्या कर रहे थे, समतापी प्रसार कर रहे थे, फिर रुदोसम प्रसार कर रहे थे, फिर समतापी संपीड़न और फिर अपने क्या कर रहे थे, रुदोसम संपीड़न कर रहे थे। और अपने क्या बोला था वहां पर, अपने बोला था कि जो प्रथम अवस्था है, जो आपकी प्रथम अवस्था है, कौन सी अवस्था है, समतापी प्रसार जो है, यानी जो प्रथम अवस्था है उसके अंदर क्या हो रहा था, समतापी प्रसार हो रहा था, यानी अपने पहुंच रहे थे ए से बी अवस्था के अंदर, और टेंपरेचर कितना ले रखा था, टी वन केल्विन टेंपरेचर ले रखा था, और इसके अंदर अपने कार्य कर रहे थे, कार्य कितना किया था अगर आपको याद हो तो W1 कार्य आपने किया था, और वो W1 कार्य जो है किसके अंदर आ गया था, Q1 के अंदर आ गया था, यानी A से B तक इस प्रसार के अंदर यहाँ पर ऊष्मा जो है वो क्या हो रही थी, अवशोषित की जा रही थी। निकाय जो है अपना अवस्था A से B तक जाने के अंदर क्या कर रहा है, T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा जो है वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। A से B तक जाने में कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा था, ये Q1 ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर रहा था। फिर अपने बात की थी B से C की, B से C जो अवस्था थी ये अपनी कौन सी अवस्था थी, ये अवस्था थी रुदोसम प्रसार की अवस्था थी, रुदोसम अवस्था थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कार्य W2 वाली टर्म अपने लिखी थी, ऊष्मा जो थी उसे अपने यहाँ नहीं लिखा था। फिर अपने C और D की बात की थी, यहाँ पर कार्य W3 आया था, प्लस यहाँ अपने किसकी बात कर रहे थे, अपने इसके अंदर ऊष्मा की भी बात कर रहे थे, ऊष्मा कितनी थी, Q2 थी, यानी अपना W3 जो था वो किसके इक्वल था, वो Q2 के इक्वल था, W3 जो है वो किसके इक्वल था, Q2 के इक्वल था। फिर अपने W4 की बात की, ये अपने पास में रुदोसम संपीड़न था, और रुदोसम संपीड़न होने के कारण यहाँ पर ऊष्मा जो है वो नहीं आ रही थी, तो ऊष्मा दो में ही आ रही थी, एक तो A से B में, एक C से D में, यहाँ Q1 और यहाँ कितनी आ रही है, Q2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं A से B तक जाने में कितनी ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर रहा है, Q1 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, यानी अपना निकाय जो है वो, निकाय अवस्था ए से बी तक टी वन केल्विन पर क्यू वन ऊष्मा
अवशोषित करता है, Q1 ऊष्मा जो है वो क्या करता है, अवशोषित करता है। इसी प्रकार आप लोग क्या बोल सकते हो, इसी प्रकार आप लोग बोल सकते हो कि अपना निकाय जो है वो क्या कर रहा है, अपना निकाय अवस्था सी से डी तक जाने में Q2 ऊष्मा जो है वो क्या कर रहा है, विसर्जित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है संपीड़न। क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है। और समतापीय प्रक्रम अपने इसे रख रहे हैं तो समतापीय है, तो जो अतिरिक्त ऊष्मा आएगी वो कहाँ चली जाएगी, इसके परिवेश में चली जाएगी। तो यहाँ पर जो निकाय है वो क्या कर रहा है, अवस्था सी से डी तक क्या कर रहा है, अवस्था सी से डी तक T2 केल्विन पर Q2 ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है या विसर्जित कर रहा है, ऊष्मा विसर्जित करता है। ठीक है, तो अपने C से D तक तो क्या करता है, Q2 ऊष्मा विसर्जित करता है, और A से B तक क्या करता है, Q1 ऊष्मा जो है वो अवशोषित करता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर अपने देखें तो इसके अंदर आप लोग कार्नू इंजन के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो, कार्नू इंजन के सिद्धांत से आप लोग लिख सकते हो Q1/T1 बराबर Q2/T2। क्या लिख सकते हो आप लोग, कार्नू इंजन के सिद्धांत से आप लोग लिख सकते हो Q1/T1 बराबर Q2/T2। ठीक है, ये टर्म देखिए, Q1/T1 बराबर Q2/T2, ये कहाँ से आई हुई, अपने जो लिखा है Q1/T1 बराबर Q2/T2, ये कहाँ से आई है। तो इस टर्म के लिए आप लोग देखिए, जो आप लोगों ने कार्नू इंजन की दक्षता का जो सूत्र लिखा था, या जो आप लोगों ने सिद्धांत व्युत्पन्न कर रहे थे उसके अंदर जो आप लोग सूत्र लिख रहे थे, उसके अंदर आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, आप लोगों ने लिखा था T1-T2/T1। इसी तरीके से ऊष्मा इंजन के अंदर आप लोगों ने लिखा था Q1-Q2/Q1। दोनों ही किसके सूत्र है, दोनों ही दक्षताओं के सूत्र है और इंजनों के सूत्र है। फर्क क्या है, इनमें से एक इंजन जो है वो कार्नू है, परंतु है तो ऊष्मा ही इंजन, इसलिए दोनों टर्म बराबर है। और वहाँ से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, Q1/T1 बराबर Q2/T2 लेकर के आ सकते हो। या सीधा आप लोग याद रखो कि कार्नू इंजन के सिद्धांत से आप लोग क्या लिख सकते हो, Q1/T1 बराबर Q2/T2। ठीक है, ये अपने कहाँ से लिखा है, ये अपने लिखा है कार्नू इंजन के सिद्धांत से। आगे देखिए, आगे अपने बात कर रहे हैं आगे वाले चक्र की। ये अगर चक्र फर्स्ट है तो ये जो चक्र है इसे देखिए, इसके अंदर अपने जा रहे हैं डी से सी, ई से एफ, यानी अपने कुछ यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जैसे ही आप डी से सी की ओर जा रहे हो, यानी आप कहाँ जा रहे हो, डी से सी की ओर जा रहे हो, तो डी से सी की ओर जाने में आप लोग मान ले रहे हो, ये देखो जैसे कि आपने यहाँ लिखा है अवस्था ए से बी तक T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, उसी प्रकार से अपने लिखेंगे इसे आगे। देखिए ये तो अपने एक प्रक्रम लिए, अब अपने क्या करते हैं, नीचे वाले प्रक्रम को लेकर के आते हैं। देखिए अपने ये सब कुछ है इसके अंदर, आप लोग अब तक लिख चुके हो, इसे अपने लिख चुके हैं। और अब अपने बात कर रहे हैं इस वाले चक्र की, इसके अंदर अपने अवस्था डी से सी की ओर जाए, अपने कहां से कहां जाए, डी से सी तक जाने में T2 केल्विन पर और कितनी ऊष्मा अवशोषित करता है, Q2 ऊष्मा जो है वो अवशोषित करता है। देखिए ये अलग अलग प्रकार के अपने चक्र बना रहे हैं, सबसे पहले अपने ये चक्र बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ए बी सी और डी था, ये T1 केल्विन पर था, ये T2 केल्विन पर था, अपने इस चक्र को कंप्लीट किया, ठीक है, इस चक्र को कंप्लीट किया, यहाँ अपने Q1 था और यहाँ अपने क्या था, Q2 था, ये अवशोषित होती है और ये क्या होती है, उत्सर्जित होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से अपने अगर यहाँ जाएँ तो ये सी डी ई और एफ अपने इस तरीके से जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ Q2 है और यहाँ क्या है, Q3 है, ये T2 केल्विन पर है और ये T3 केल्विन पर है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो T2 केल्विन पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, Q2 ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, और यहाँ T3 केल्विन पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है, तो ये Q3 ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित की जा रही है। तो अब अपने क्या कर रहे हैं, जो नीचे वाला चक्कर है इसे ले रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर डी से
इसके अंदर डी से सी तक टी टू केल्विन पर क्यू टू उष्मा जो है वो क्या की जा रही है, अवशोषित की जा रही है, ठीक है। क्यू टू ये टी टू केल्विन पर क्यू टू उष्मा अवशोषित की जा रही है। और इसी तरीके से जब अपने ई से एफ की ओर जाते हैं, ई से एफ तक, ई से एफ तक टी थ्री केल्विन पर क्यू थ्री उष्मा जो है वो क्या की जा रही है, विसर्जित की जा रही है, ठीक है। यहाँ कितनी उष्मा विसर्जित की जा रही है, क्यू थ्री उष्मा जो है वो विसर्जित की जा रही है। तो आप लोग कार्नोट इंजन के सिद्धांत से फिर से क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो क्यू टू अपॉन टी टू बराबर क्यू थ्री अपॉन टी थ्री, ठीक है। एक तो आपने ये लिख दिया और यहाँ पर आपने ये लिख दिया। अब देखो ये तो आपने वक्र इतने ही बना रखे हैं, अगर ये आगे होता तो आगे आपके पास में क्या आ जाता, आगे आपके पास में आ जाता क्यू थ्री अपॉन टी थ्री बराबर क्यू फोर अपॉन क्यू फोर, और उससे आगे क्या था क्यू फोर अपॉन टी फोर, और उसके आगे क्यू फाइव अपॉन टी फाइव। तो इस प्रकार की टर्म जो है अपने लगातार चलती रहती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो ये लिख रहे हो क्यू वन अपॉन टी वन बराबर क्यू टू अपॉन टी टू बराबर क्यू थ्री अपॉन टी थ्री, ये लगातार क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे, ये सभी बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई ना कोई एक नियतांक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई ना कोई एक नियतांक आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्यू अपॉन टी जो है वो क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। यानी आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर क्यू अपॉन टी जो है वो क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग ये बोल सकते हो कि भी आप एक रुद्रोष्म से दूसरे रुद्रोष्म तक जाते हो तो या तो उष्मा अवशोषित हो रही है या उष्मा जो है वो क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। और ये किस पर निर्भर कर रही है, ये निर्भर कर रही है ताप T पर, ठीक है। किस पर निर्भर कर रही है, ताप T पर निर्भर कर रही है। यानी आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग ये बोल सकते हो कि जब आप लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हो, देखिए आप जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हो, जैसे ए से आप बी में जा रहे हो, यहाँ से सी से डी में आ रहे हो, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर या तो क्या होगा, उष्मा जो है वो अवशोषित होगी या उष्मा जो है वो क्या होगी, उत्सर्जित होगी, ठीक है। वो किस पर होती है, वो एक नियत ताप पर होती है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि अपने क्या कर रहे हैं, मान लिया टी केल्विन ताप है, इस पर उष्मा जो है Q है, T ताप पर कितनी उष्मा है, Q उष्मा है जो या तो उत्सर्जित हो रही है या क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो Q अपॉन T जो है इसका मान आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एक नियतांक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो नियतांक आएगा इसे अपने दो रुद्रोष्म वक्रों द्वारा प्रदर्शित अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये जो नियतांक है इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहा जाता है एंट्रोपी में परिवर्तन। दो रुद्रोष्म वक्रों के मध्य एंट्रोपी में क्या कहा जाता है, इसे परिवर्तन कहा जाता है। यानी आप लोग दो रुद्रोष्म अवस्थाओं के मध्य, जैसे यहाँ पर अवस्था एक ए वन है और एक क्या है, ए टू है, अगर यहाँ एंट्रोपी एस वन मानते हो तो यहाँ कितनी मानोगे, एस टू मानोगे। एक जगह एंट्रोपी एस वन है, दूसरी जगह एंट्रोपी कितनी है, एस टू है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन कितना आएगा, एस टू माइनस एस वन आएगा, जो किसके इक्वल है, जो क्यू अपॉन टी के इक्वल है। यानी दो अवस्थाओं के मध्य जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी दो रुद्रोष्म वक्र ले, ए वन और ए टू क्या है, दो रुद्रोष्म वक्र है, इन दोनों रुद्रोष्म वक्रों के मध्य एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो कितना है, एस टू माइनस एस वन है, वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन टी के बराबर है। यानी आप लोगों ने जो क्यू अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट लिखा है, आपने क्या लिखा है, क्यू अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट, ये क्यू अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट जो है, जो नियतांक जो है वो किसके बराबर है, वो दो रुद्रोष्म वक्रों के मध्य जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, एंट्रोपी एक की एस वन है और एक की एस टू है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन कितना है, एस टू माइनस एस वन है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर है। यानी एस टू माइनस एस वन किसके बराबर है, ये क्यू अपॉन टी के बराबर है, इस नियतांक के बराबर है, ठीक है। और अगर क्या हो, ये दोनों रुद्रोष्म वक्र एक दूसरे के निकट हो, यानी ये ए वन और ए टू जो रुद्रोष्म वक्र है ये क्या हो, एक दूसरे के निकट हो, यानी दोनों रुद्रोष्म वक्र अगर क्या हो, एक दूसरे के निकट हो, तो इन दोनों रुद्रोष्म वक्रों के एक दूसरे के निकट होने की अवस्था में जो ऊष्मा किसी निश्चित तापमान टी पर, किसी निश्चित तापमान टी पर इन दोनों वक्रों के एक दूसरे के निकट होने के कारण जो उत्सर्जित या जो अवशोषित ऊष्मा है उसमें परिवर्तन अलग होगा, जिसे अपने किससे लिख दिया, डी क्यू से लिख दिया। और ये जो एस टू माइनस एस वन अपने लिखा है, इसे मैं किससे लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ डी एस से। एस टू माइनस एस वन को किससे लिख दिया, डी एस से लिख दिया। और दोनों वक्र एक दूसरे के निकट है, तो अवशोषित ऊष्मा या विसर्जित ऊष्मा को किससे लिख देता हूँ मैं, डी
क्यू से लिख देता हूँ, और किसके ऊपर है ये, नियत ताप पर है। तो ds किसके बराबर, dq अपॉन t के बराबर। इसे उष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहा जाता है, ठीक है। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप अपने एक जगह लिखेंगे, जब अपने आगे पढ़ेंगे उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, तो वहाँ आपको क्या लिखना है, वहाँ आपको लिखना है ds बराबर dq अपॉन dt, या dq किसके बराबर होता है, tds के बराबर होता है। इस बात को याद रखना भी आप लोग, dq बराबर tds। ये बिल्कुल उसी प्रकार से आपके काम में आएगा जिस प्रकार से आप लोग अब तक उष्मागतिकी के प्रथम नियम जो है उसे काम में लेते हो। जैसे आप लोग प्रथम नियम को काम में लेते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको अब क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है dq बराबर tds। ये आपके पास में क्या है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, ठीक है। अब देखो आगे, आपको पता है कि रुदोषम प्रक्रम जो होता है आपके पास में, इस रुदोषम प्रक्रम में एक ही जो रुदोषम वक्र होता है, जैसे ये वक्र है, एक ही रुदोषम वक्र जो होता है इस पर ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो नहीं होता है, ठीक है। एक ही रुदोषम वक्र पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो dq जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। जो रुदोषम अपने प्रक्रम की बात कर रहे हैं, तो रुदोषम प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का दान प्रदान नहीं होता है, तो dq किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर dq जीरो के बराबर होगा तो ये जो टर्म लिखी गई है dq बटा t, जो आपने लिखा है dq बटा t, ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर ये जीरो के बराबर है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो ds है ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ds किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ds जीरो के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, s जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। S जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी एंट्रोपी S जो है वो यहाँ पर क्या है, नियतांक है। आप लोग देख सकते हो ds बराबर क्या है, जीरो। ds बराबर जीरो होने का मतलब S जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। और S बराबर जीरो होने का क्या मतलब है, S बराबर जीरो होने का मतलब है कि ये ds बराबर जीरो, और ds बराबर जीरो होने का मतलब हो गया कि S जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्योंकि कोई कॉन्स्टेंट होता है उसी का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर S क्या है, कॉन्स्टेंट है। S कॉन्स्टेंट होने का मतलब एंट्रोपी जो है वो क्या है, नियतांक है। एंट्रोपी जो है वो क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम के अंदर एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो एंट्रोपी यहाँ पर क्या है, नियत रहती है। इसलिए यहाँ पर जो पीवी आरेख में अपने रुदोषम वक्र बना रखे हैं, इनको अपने सम एंट्रोपी या नियत एंट्रोपी वक्र कहते हैं। यहाँ जो अपने ये वक्र बना रखे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नियत एंट्रोपी वक्र। इन वक्रों को क्या कहा जाता है, नियत एंट्रोपी वक्र कहा जाता है, ठीक है। फिर से सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ, जितना कुछ सामने लिखा हुआ है उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसे इस साइड से हटा देता हूँ। देखिए अपने इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, इन्हें भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए अपना जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है एंट्रोपी। अपना टॉपिक क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, क्लासियस ने बताया था। क्लासियस ने एंट्रोपी के बारे में अपने को क्या बताया, क्लासियस ने अपने को बताया जैसे सम आयतनी प्रक्रम के अंदर आयतन नियत, सम दाबीय में दाब नियत, सम तापीय में ताप नियत, उसी प्रकार से उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम जो होता है उसमें एंट्रोपी क्या रहती है, नियत रहती है। एंट्रोपी क्या रहती है, नियत रहती है। अब अपने यही दर्शा रहे हैं कि उत्क्रमणीय रुदोषम प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। तो ये कैसा चक्कर बना रखा है यहाँ पर अपने, ये सारे के सारे उत्क्रमणीय चक्कर है, ये दोनों दिशाओं के अंदर काम करेंगे, उत्क्रमणीय चक्कर है ये। ये ए से चला ए पर ही पहुँचा, डी से चला डी पर ही पहुँचा, तो किस प्रकार के चक्कर है ये, उत्क्रमणीय चक्कर है, ठीक है। इसके अंदर अपने सबसे पहले क्या माना, इसके अंदर अपने तीन वक्र माने, I1, I2, I3 अपने पास में क्या है, तीन वक्र है। ये कहाँ स्थित है, ये T1 केल्विन, T2 केल्विन और T3 केल्विन पर स्थित है, ठीक है। इनको दो रुदोषम वक्र A1 और A2 काट रहे हैं। A1 और A2 कौन से वक्र हैं, रुदोषम वक्र है, जो समतापीय वक्रों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अगर इन्हें ये काटेंगे तो किन पॉइंटों पर काटेंगे, ये जो ABCDEF जो आपने बना रखा है इन पॉइंटों पर काटेंगे। अब ये जो चक्कर बन रहे हैं ये अपने मान लिया कौन से चक्कर हैं, ये उत्क्रमणीय कार्नो चक्र है। कार्नो इंजन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लेना, उसे बाद में पढ़ना इसे। तो
तो क्या करोगे आप लोग, उत्क्रमणीय कारणों चक्र बताओगे नहीं, तो उत्क्रमणीय कारणों चक्र है, उत्क्रमणीय कारणों चक्र के अंदर ऐसे भीतक ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, नियत ताप पर होती है, समतापीय प्रक्रम होता है और प्रसार होता है। कितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, Q1 हो रही है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है या विसर्जित हो रही है, तो Q2 ऊष्मा हो रही है। यहाँ कितनी ऊष्मा, ये बाद की बात है, इस चक्र की अगर बात करें तो Q1 ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है, Q2 ऊष्मा जो है वो क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। फिर आप क्या बोलोगे, कार्नो इंजन के सिद्धांत से, कार्नो इंजन का जो सिद्धांत है वो आपको क्या बोलता है कि Q1 अपॉन T1 बराबर किसके है, Q2 अपॉन T2 के बराबर है। फिर अपने इस चक्र की बात करेंगे, इसके अंदर एक Q2 ऊष्मा है और एक कितनी है, Q3 ऊष्मा है। Q2 ऊष्मा और Q3 ऊष्मा, ये T2 केल्विन पर है और ये T3 केल्विन है। अपने बोला कि T2 केल्विन के ऊपर Q2 ऊष्मा जो है वो यहाँ पर क्या होगी, इस चक्र के अंदर अवशोषित होगी, ठीक है, और Q3 ऊष्मा जो है वो क्या होगी, T3 केल्विन ताप पर उत्सर्जित होगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि Q3 अपॉन T3 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है Q2 अपॉन T2 के। इसी प्रकार ये आगे से आगे जो है वो क्या होता जाएगा, बराबर आते जाएंगे, यानी इसका मान हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि Q1 अपॉन T1 क्या है, Q2 अपॉन T2 के बराबर है, और Q2 अपॉन T2 जो है वो किसके बराबर है, Q3 अपॉन T3 के, यानी सभी टर्म क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये एक दूसरे के बराबर तभी हो सकती है जब इन दोनों का अनुपात जो है, यानी Q1 अपॉन T1 या Q2 अपॉन T2 या Q3 अपॉन T3 का अनुपात अगर क्या है, नियत है, यानी इनका अनुपात अगर कॉन्स्टेंट है या नियत है, तभी ये क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, और ऐसा यहाँ आपने माना है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ये जो मान है ये अपने पास में क्या है, एक नियतांक प्राप्त हो रहा है। इतनी बातें देख हटा देता हूँ पहले मैं इनको, देखिए अपने नियतांक तक पहुँच गए। अब अपने इस नियतांक की बात कर रहे हैं कि ये नियतांक जो है, ये नियतांक कितना होता है, तो इस नियतांक का अपने जो निर्धारण किया जाता है, यानी Q अपॉन T जो अपने बोला है ये किसके बराबर किया है, अपने किसी एक कॉन्स्टेंट के बराबर किया है। यहाँ क्यू अपॉन टी का क्या मतलब है, क्यू अपॉन टी, जैसे यहाँ अपने ये T1 ताप था, इस पर Q1 ऊष्मा अवशोषित हो रही थी, ये T2 टेम्परेचर है, Q2 ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित हो रही थी। फिर अपने इन्हीं बातों को फिर से लिखा, तो अब की बार इसे अवशोषित, इसे उत्सर्जित लिखा, तो अपने व्यापक रूप में क्या लिख दिया, T आपके पास में टेम्परेचर है, T तो क्या है, T केल्विन आपके पास में टेम्परेचर है, और Q जो है वो क्या है, ऊष्मा है, या तो ये ऊष्मा अवशोषित हो रही है या ये ऊष्मा जो है वो क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो Q आपके पास में उत्सर्जित या अवशोषित दोनों में से किसी एक प्रकार की ऊष्मा है, और अपॉन क्या है, टी है, इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है, ये जो आपके पास में दोनों रुद्धोष्म वक्र है, इन दोनों रुद्धोष्म वक्रों की एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर आता है। यानी यहाँ जो नियतांक आएगा, ये नियतांक किसके बराबर आएगा, ये आएगा A1 और A2 जो रुद्धोष्म वक्र है, दोनों रुद्धोष्म वक्रों के एंट्रोपी के अंदर जो परिवर्तन होगा, उस एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर आएगा। और एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हो रहा है, S2 - S1 हो रहा है, कितना हो रहा है, S2 - S1 हो रहा है। S2 - S1 क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है, जो किसके बराबर है, Q/T के बराबर है। अब अपने क्या बोला, अब अपने ये बात बोल रहे हैं कि यदि दोनों रुद्धोष्म वक्र जो है वो क्या हो, एक दूसरे के निकट स्थित हो, अगर ये एक दूसरे के निकट स्थित होंगे, तो अपने इस परिवर्तन को किससे लिख देंगे, dS से लिख देंगे, और ऊष्मा जो है इसे किससे लिख देंगे, dQ से लिख देंगे। T जो है वो एक नियत तापमान आपके पास में है, तो ये बन जाता है इसका गणितीय रूप, dQ बराबर TdS, ठीक है, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप। अपने बात कर रहे हैं इसकी, dS बराबर dQ अपॉन T की, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में dQ बराबर क्या होता है, 0, तो dQ अपॉन T किसके बराबर, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर होने का मतलब dS बराबर 0, और ये कब बराबर हो सकता है, जब S क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, यानी ये 0 के बराबर तभी होगा, dS 0 के बराबर कब होगा, dS जो है वो 0 के बराबर तभी होगा जब S जो है वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो या नियतांक हो। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि यहाँ एंट्रोपी जो है वो क्या रह रही है, नियत रह रही है, और इन वक्रों के अपने क्या बोल दिया, इन वक्र जो रुद्धोष्म वक्र थे उनको अपने बोल दिया सम एंट्रोपिक वक्र। तो इस प्रकार अपने सिद्ध कर दिया कि जो अपने पास में उत्क्रमणीय रुद्धोष्म
चक्कर होते हैं, यानी जो उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम है उन प्रक्रमों के अंदर एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। जैसा कि किसने बोला था, जैसा कि क्लासियस ने बोला था कि उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो नियत रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लेना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।